कालिम्पोङ जिल्ला पुलिसको पहलमा गठन भएको अपराजिता टास्क फोर्सको महिनाव्यापी सेल्फ डिफेन्स शिविर शनिबारबाट आरम्भ गरिएको छ। केटिभी समाचारका सरप्राइज वारओभर, द अल्टिमेट क्लोदिङ स्टोर नियर मोटर स्ट्यान्ड एन्ड सिके चौक कालिम्पोङ, ओसिएस कालिम्पोङ, वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, हिमालयन शपिङ 10th mile musk house kalimpong north bengal ko aafno electronic retail chain dpmi siliguri india's leading paramedical institute capital university jorthang south sikkim admission open for the session 2024-25 पुलिस मुख्यालयमा सम्पन्न उद्घाटन कार्यक्रममा जिल्ला पुलिस अधीक्षक श्रीहरि पाण्डे, डिएसपी भानु राई, कल्याण गुरुङ, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, प्रशिक्षक अनि प्रशिक्षणार्थीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। हाल नारी दुष्कर्मको घटना दिनोदिन बढ्दो क्रममा रहेकोले पुलिस विभागले नारी सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण शिविरको आयोजना गरेको हो। शिविरमा विकट परिस्थितिमा नारीहरूले कसरी आफूलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विशेष जोड दिएको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एसपी श्रीहरि पाण्डेले महिला वर्गको सुरक्षा प्राथमिकता रहेको हुनाले यसलाई व्यापक रूप दिन यो टास्क फोर्सले अभियान नै चलाइरहेको बताउँदै यो ट्रेनिङलाई सफल बनाइदिन आह्वान गरेका छन्। कम्प्लिट हुने छ र म आई लाइक टु रिक्वेस्ट यु तपाईले फोन लगाएर यो नेक्स्ट टाइम हामी पनि प्रिपेयर गर्छौं स्पोन्सर किन भने 33 लोगोले फिनिश किया है फार्मा को भी आया नहीं है नेक्स्ट क्लास में आप लोग ज्वाइन करेंगे हम लोग आज ये ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और वो फुली 1 महीने तक ये अपडेट रहेगा। उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना स्किल दिखाएं कि आप लोगों ने क्या सीखा है, ये भी हम देखने के लिए हम बैठेंगे आपके पास नहीं कि आप लोगों ने हमसे अगले एक डेढ़ महीने में क्या क्या सीखा है। तो आप लोग मन लगा के सीखे और कोई भी इशू हो इसको ऑफिसर्स रहेंगे तभी हम लोग यहीं पर है बात और हम आप आशा करते हैं आप लोग ट्रेनिंग अच्छा चले और आप लोग यहाँ से और आगे आप लोग अच्छा करें ये आशा करके मैं बात बता सकता हूँ। थैंक यू। अपना